डंकी मूवी आज सिनेमा हॉल में पूरा तहलका मचा करके रख दी है। लोग डंकी मूवी को देख करके रो रहे हैं। देखिए इस फुटेज को। देख लिया ना दोस्तों, डंकी मूवी देखते देखते ये इंसान किस तरह का रो रहा है। और दोस्तों ये शख्स तो डंकी मूवी देखने के बाद अपना वीजा ही को फाड़ दिया। विदेश जाने का उसका जो वीजा था ना, उसी को फाड़ दिया। वो विदेश नहीं जाएगा ऐसा बन गया है डंकी मूवी देखने के बाद। मेरा जो आज के डेट में वीजा लगा, वीजा फाड़ दे, जाओ नहीं यही का जॉब करेंगे। अरे तो बूढ़े अंकल थे हमारे बगल में बैठे हुए, रो रहे बेचारे, उनको उठा कर कहने लगे अंकल कोई बात नहीं मूवी है अंकल, ये मूवी है, मूवी को मूवी जैसा देखे, मगर बोले कि नहीं बहुत अच्छी मूवी है। उनको अपना बेटा याद आ गया, उनका बेटा आज के डेट में विदेश में है। ये कहानी जो बनाया है इन्होंने, राजकुमार हिरानी ने, ही इज द रियल विनर। इस मूवी का प्रमोशन इस मूवी की जनता करेगी जो पहला शो देखेंगे इस मूवी का। जब लोगों से पूछा गया कि आप तो डंकी मूवी को देख चुके हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप दोबारा डंकी मूवी को देखने के लिए आइएगा या फिर नहीं, तो लोगों ने क्या कहा जरा सुनिए। पैसा वसूल नहीं किया फुल पैसा, मैं तो कल दोबारा आऊंगा भाई देखने, परसों भी आऊंगा। इतनी प्यारी स्टोरी है, मैं आँख से आंसू आ जाएगा आपके। भाई बॉलीवुड का किंग है, उसके आगे कोई भी नहीं है, कोई भी एक्टर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, फुल पैसा वसूल नहीं किया फुल पैसा। मैं सालार तो केजीएफ की कहानी है, सालार केजीएफ की कहानी है, वो तो डंकी है और रियल लाइफ की कहानी है। सुन लिया ना दोस्तों, सभी पब्लिक यही कह रहा है कि बार बार देखने के लिए आएंगे, ऐसा ये मूवी है। बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा है डंकी मूवी का। आप सुन लिए ना किस तरह का तारीफ हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, जरा इन लोगों का भी आवाज को सुनिए, ये लोग क्या कह रहा है डंकी मूवी को देखने के बाद, ये लोग क्या कहा जरा सुनिए। मूवी काफी ज्यादा बिकॉज शाहरुख खान की थी सबसे पहले, तो इस वजह से काफी ज्यादा यू नो एक मैसेज दे रही थी। ठीक है, लास्ट में जो मैसेज दिया वो काफी ज्यादा लाइक आज की जनरेशन को समझना पड़ेगा कि लोग ना रिग्रेट फील करते हैं कि हाँ बाहर नहीं लगा वीजा ये वो है ना ऑल ओवर। एंड शाहरुख खान की एक्टिंग तो हमेशा से बेस्ट रही है बिकॉज एस आर के एन सैम, तो ऑब्वियसली सो बहुत प्यारी थी। वर्ड फॉर शाहरुख खान क्या आता, स्पीचलेस ही हुआ। शाहरुख खान के लिए कोई वर्ड है आज तक? अच्छा क्या कहोगे ऑडियंस को देखने के लिए? जरूर देखो ऑब्वियसली, क्योंकि आज की जनरेशन को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड उसमें जो उसकी एक चीज थी कि शाहरुख खान हमेशा यू नो अपने इंडिया को ज्यादा प्रेजेंट करता है कि हाँ हमारा कल्चर, हमारा ये, हमारा, सो दैट इज द मेन पॉइंट कि शाहरुख खान हमेशा दिल जीत लेता है। जीत लिया। सुन लिया ना दोस्तों, सभी पब्लिक यही कह रहा है कि डंकी मूवी एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। इस मैसेज को सभी पब्लिक को देखना बहुत ही जरूरी है, गौर से सुनना बहुत ही जरूरी है। इस महिला ने यह भी कहा कि डंकी मूवी को सभी को देखना जरूरी है। इसी के साथ इस महिला ने तो हंसा ही दिया, इतना में हंसमुख नहीं थे, लेकिन इस महिला ने इतना ज्यादा हंसाया। जरा सुनिए पहले इसका आवाज को। पर हिट एक साल के अंदर तीन मूवी उन्होंने दे दी, कौन कह रहा? शाहरुख से तो मैं बचपन से फिदा हूँ, दीवानी उसके। शाहरुख खान की मूवियाँ देख देख के तो मैं बड़ी हो गई, क्यों फिदा क्यों नहीं होंगी? जैसी एक्टिंग शाहरुख खान करता है कौन करता है? उनके मुंह पर तीसरी बार तमाचा मारा, धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो तो भोग ना। उसने क्या कहा, शाहरुख खान का डंकी मूवी इतना ज्यादा तारीफ कर रहा है, बोल रहा है कि शाहरुख खान का तीन मूवी आया, सभी क्या हुआ सुपर हिट हुआ, बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा है। हंसते हम ना इसका थक गए इसका वीडियो को देख करके। और इस महिला ने एक शब्द कहा कि हम बचपन से शाहरुख खान के सभी मूवी को देखते आए हैं, आज ज़ईफ यानी बुढ़िया हो गए हैं फिर भी शाहरुख खान के मूवी को देखने आए हैं। शाहरुख खान का हाल ही जो तीन मूवी आए हैं ना, डंकी, जवान, पठान, ये तीन जो मूवी आया, इन तीनों मूवी को देख चुके हैं इन ज़ईफ महिला। तारीफ करना चाहिए इसका यार, बहुत ही ज्यादा। जब ये शाहरुख खान का तारीफ कर रहा है, इसका वीडियो को देख करके हम भी तारीफ करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में शेयर करिएगा। फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो जरूर तो करिएगा ना।